दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आरएस एंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही है। तो क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले लगातार पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही सही देखा भी है। वो इसलिए क्योंकि भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले T20 मैच में और ये मैच खेला जा रहा है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, जहां पर रोहित शर्मा और कुलदीप यादव हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुलदीप यादव ने तो अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया है। दोस्तों इस मैच में पहली ही इनिंग में कायरन पोलार्ड ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिसके कारण पूरी दुनिया, पोलार्ड ही नहीं बल्कि पूरी वेस्टइंडीज की टीम पर थू-थू कर रही है। पोलार्ड ऐसे काम करने के लिए पहले से ही जाने जाते हैं, माने जाते हैं। आईपीएल में भी वो शर्मनाक हरकत करते हैं और ऐसा ही देखने को मिला पहले T20 मैच में। दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी बॉल में कायरन पोलार्ड स्ट्राइक पर थे और खलील अहमद बॉल कर रहे थे। ऐसे में कायरन पोलार्ड बॉल नहीं खेल पाए खलील अहमद की और बॉल स्विंग होकर बाहर निकल गई, जिसके बाद कायरन पोलार्ड खलील अहमद के पास आकर डराने लगे। खलील अहमद इस मैच में डेब्यू कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन जरूर रहा होगा, लेकिन ऐसा देखने को ग्राउंड पर बिल्कुल भी नहीं दिखा है। और अगली ही बॉल खलील अहमद ने इस प्रकार से की कि कायरन पोलार्ड को पता चल जाए कि खलील अहमद तो नहीं डरे हैं, बल्कि कायरन पोलार्ड को डराने के लिए इतनी भयानक बॉल कर दी। यानी खलील अहमद ने भी काफी तगड़ा जवाब दिया है। दोस्तों जिस प्रकार से कायरन पोलार्ड सामने आए थे ये बेहद शर्मनाक है और वेस्टइंडीज की टीम के लिए इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आपके हिसाब से आपकी क्या ओपिनियन है, क्या कायरन पोलार्ड को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।